आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, 21 अप्रैल 1526 के दिन, आज से 492 साल पहले, इस जगह पे कुछ ऐसा घटित हुआ कि जिसने कि भारतीय इतिहास का रूप हमेशा के लिए बदल दिया। कार पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर में आपका स्वागत है। पानीपत की पहली लड़ाई कई मामलों में दिलचस्प है। जहां एक तरफ 1,00,000 सेना थी, वहीं दूसरी तरफ 20,000 सैनिकों ने इस युद्ध का तख्ता पलट करके रख दिया। जलालुद्दीन बाबर ने 21 अप्रैल 1526 के दिन ये सब करके दिखाया। जब उसने भारत पे आक्रमण करने का मन बनाया, जिसमें शामिल थे राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के अपने ही चाचा दौलत खान लोदी, बाबर जो कि फरगना और उज़्बेकिस्तान हार चुका था, उसको ये एक अच्छा मौका मिला और उसने प्लानिंग शुरू की हिंदुस्तान पे अटैक करने की। कहते हैं कि पानीपत वो 1 हफ्ता पहले आया और 1 हफ्ते से उसने पूरी तैयारी शुरू कर दी कि कैसे इब्राहिम लोदी की सेना को हराया जाए। उस समय का ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का युद्ध था। इस युद्ध में पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ, तोपों का इस्तेमाल हुआ। बाबर क्योंकि लड़ने में पहाड़ी तरीके से लड़ता था, पहाड़ों पे लड़ने की आदत थी और पानीपत पूरा मैदान था, तो उसने इस युद्ध की पूरी प्लानिंग की और 1 हफ्ता पहले ही वो पानीपत आ गया। एक तरफ पानीपत शहर की दीवार, दूसरी तरफ उसने एक खाई या गड्ढा खोदा जिसको उसने नोकीले कांटों से भरा, तीसरा उसने छापामार दस्ते जो उसके थे धनुष बाण वाले उनको यूज किया, और चौथा उसने 700 बैलगाड़ियां एक लाइन या ट्रेन की तरीके से बनाई। उसके पीछे ये जो आप जो आज स्टैचू देख रहे हैं, जिसमें तोप दिखाई जा रही है, ये बैलगाड़ियों के पीछे ये पोर्टेबल तोपें उस समय बाबर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। मतलब इसको डिसमेंटल करके बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पे लाद के वो ले जाया करता था। तो ये जो चीज है, ये पहली बार, इनफैक्ट इब्राहिम लोदी ने तो पहली बार ही देखा था कि ऐसा भी कुछ तरीके से युद्ध होता है, और 6 घंटे के अंदर ही इस युद्ध का फैसला हो गया था। जहां इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000 पैदल सेना थी, वहीं बाबर के पास कुल मिला के 20,000 लोग थे। कहते हैं जब इब्राहिम लोदी मरा, उसका सर जब कट के बाबर के हाथ में आया, जहां पे उसका धड़ था उस जगह गया और वहां पे कहा कि मैं आपको सलाम करता हूं आपकी बहादुरी को। लेकिन उसने ऐसा सबके साथ नहीं किया। कहते हैं कि जो लोग या जो सैनिक बच गए थे, उन सबके धड़ काटे और कहते हैं 30 फुट ऊंचा धड़ों का उसने पहाड़ बना दिया। और जैसे वो दिल्ली पहुंचा है या उसके बीच में जो भी उसके रास्ते में आया, ये धड़ों का वो पहाड़ बनाता चला गया। ये जो मकबरा वैसे आप जो देख रहे हैं, ये 1866 में बनवाया ब्रिटिशर्स ने,
क्योंकि एक्चुअली जगह जहाँ पे इब्राहिम लोदी का सर कलम किया गया था, धड़ से अलग किया गया था, वो जगह ठीक आपके सामने जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, जीटी रोड, उस साइड स्थित था। लोदी का जो मकबरा था वो इसके बीच में आ रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने ये फैसला किया कि इस जगह से हटा के जहाँ पे अभी ये कब्र स्थित है वहाँ पे ये कब्र को रीएलोकेट किया जाए, इस कब्र को रीएलोकेट किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इब्राहिम लोदी के साथ ही ग्वालियर के महाराजा की भी कब्र थी उस समय, जहाँ पे लोग आया करते थे ग्वालियर के राजा को के सम्मान में। ग्वालियर से लोग पानीपत आते थे और एक मजमा भी जमा होता था, पर अंग्रेज़ों ने उस कब्र को वहीं पे ही रहने दिया और तोड़वा दिया, और इब्राहिम लोदी की कब्र को उन्होंने यहाँ पे आके सेट किया, लगवाया। बाबर जो कि तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, बाबर के पिता तैमूर के वंशज थे और उनकी माता चंगेज खान की वंशज थी, तो उसके जहन में शुरुआत से ही था कि हिंदुस्तान जो मेरे दादा परदादाओं ने जीता या लड़ा है और लूटा है उस पे एकाधिकार तो मेरा ही है। तो उसको जब ये मौका मिला तो बाबर ने अपना गांव लश्कर लेके हिंदुस्तान पे अटैक किया, और 21 अप्रैल 1526 के दिन इसी जगह पे इब्राहिम लोदी को हराया, जिसे हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी बोलते हैं। ये इतना भयंकर युद्ध था कि 6 घंटे के अंदर ही इस युद्ध का फैसला हो गया था। उसके बाद राणा सांगा ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि ये राजा कैसे बन सकता है, जिसको बाद में उन्होंने दोबारा हराया। इस युद्ध ये बहुत ही डिफरेंट टाइप पर्पल बूट की यही हराए, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।